क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ एसेट्रिक्स, स्टार स्टार जो करेक्टर है उनसे प्रिंट करना है एक स्क्वायर। यहाँ देखने में ये रेक्टेंगल जैसा आयत जैसा लग रहा है, लेकिन हम नंबर ऑफ स्क्वायर से इसको स्क्वायर कह रहे हैं, नंबर ऑफ स्टार से स्क्वायर कह रहे हैं। जैसे हर रो में, हर पंक्ति में चार स्टार हैं ऊपर वाले में, और कॉलम, इसका मतलब चार कॉलम है और चार ही पंक्तियाँ हैं। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में सात कॉलम है और सात ही पंक्तियाँ, तो इसका एक प्रोग्राम लिखना है। तो कैसे लिखें, पहले हम इसके लिए एल्गोरिथम या सूडो कोड लिखते हैं। तो एक पहले हम स्टार कितनी साइज का बनाना है, इसके लिए हम रीड करेंगे साइज नाम का वेरिएबल, जिसमें वो एक स्क्वायर की साइज क्या है, एक वर्ग जो बना रहे हैं उसकी कितनी साइज है, कितने स्टार्स का बनाना है, मतलब किसी पंक्ति में कितने स्टार होने चाहिए या किसी एक कॉलम में कितने स्टार होने चाहिए, वो रीड करेंगे। एक डमी इंटीजर आई लेंगे जिसकी वैल्यू वन कर देंगे, जब तक कि आई की वैल्यू साइज के बराबर या उससे कम हो तब तक ये एक लूप चलाएंगे, जिस लूप में फिर से एक डमी वेरिएबल लेंगे जिसको हमने यहाँ जे कहा है और उसकी वैल्यू वन कर देंगे। फिर जो डमी वेरिएबल है उस जे है उस पर कंडीशन लगाएंगे कि वो भी साइज से कम या उसके बराबर हो तब तक चले, और इस यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, स्टार प्रिंट करेंगे। उसके बाद में जे की वैल्यू को इनक्रीज करेंगे, अंदर वाले वाइल के से बाहर निकलेंगे, बाद में एक न्यू लाइन प्रिंट करेंगे और इन आई की वैल्यू को इनक्रीज कर देंगे एक से। फ्लो चार्ट बनाएं, तो ये इसका फ्लो चार्ट होगा जिसमें साइज को रीड किया, आई इक्वल टू वन किया, आई पे कंडीशन लगा दी, कंडीशन ट्रू होने पर जे को इन की वैल्यू वन कर दी, जे को पर कंडीशन लगा दी, वो ट्रू होने पर स्टार प्रिंट कर दिया, जे की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दिया, और ये लूप चलता रहेगा। ये लूप जो ही एंड होगा, मतलब जे की वैल्यू साइज के कम, साइज से लेस या इक्वल नहीं होगी तो नो होगा, नो होने पर एक न्यू लाइन में प्रिंट करेंगे, आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, और दूसरे वाले वाइल स्टेटमेंट से रिपीटेशन होता रहेगा, और पूरा होने पर प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। मतलब आई की वैल्यू साइज से जब तक कम है तब तक चलता रहेगा, आई की वैल्यू साइज के इक्वल, साइज से बड़ी होते ही ये प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। इसके लिए पूरा प्रोग्राम देखें तो इस तरह से पूरा प्रोग्राम होगा, जिसमें एडर फाइल इंक्लूड की है, मेन फंक्शन है जिसमें आई जे और साइज वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, साइज स्क्वायर की साइज रीड की है, बाद में आई की वैल्यू वन कर दी, वाइल स्टेटमेंट में कंडीशन लगा दी, जे इक्वल टू वन कर दिया, जे पर कंडीशन लगा दी, स्टार को प्रिंट कर दिया, जे की वैल्यू इंक्रीज कर दी, लूप के बाहर आई की वैल्यू इंक्रीज कर दी, न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस प्रिंट कर दिया, और उसके बाद में दूसरा लूप भी बंद कर दिया। इसका आउटपुट देखें तो यदि जैसे इनपुट 4 देते हैं तो 4x4 का स्क्वायर प्रिंट कर देता है, 7 देते हैं तो 7x7 का स्क्वायर प्रिंट कर देता है। होलो स्क्वायर ऑफ एस्ट्रिक्स, स्टार से अब स्क्वायर को होलो करना है, मतलब अब साइड में स्टार प्रिंट होंगे, बीच में नहीं होने चाहिए। तो पुराने प्रोग्राम के एल्गोरिथम में ही हम, या पुराने प्रोग्राम में ही हम कुछ चेंज करके देखते हैं। तो पुराने प्रोग्राम में हम यहाँ एक स्टार प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अब ये स्टार कब प्रिंट करना है, जब पहला कॉलम हो या पहली रो हो या लास्ट कॉलम या लास्ट रो हो, तो उनके लिए हम क्या करें, तो कंडीशन लगा देते हैं, पहले कॉलम में आई की जे की वैल्यू हमेशा वन होती है, पहली रो में आई की वैल्यू वन होती है, पहले लास्ट कॉलम में जे की वैल्यू साइज के इक्वल होती है, और लास्ट रो में आई की वैल्यू साइज के इक्वल होती है। तो ये चारों कंडीशन जब में से कोई भी एक सेटिस्फाई होती है तो स्टार प्रिंट हो, अदरवाइज स्पेस प्रिंट हो, तो ये प्रोग्राम एक होलो स्क्वायर को प्रिंट कर देगा। तो ये प्रोग्राम इस तरह से होगा, जिसमें स्टार को सीधा प्रिंट करने की बजाय उसको इफ एल्स में डाल दिया है, और जब आउटपुट देखते हैं तो 4x4 का स्क्वायर प्रिंट होता है, 7x7 का एक स्क्वायर प्रिंट होता है। अब पैलिंड्रोम टेस्टर,
एक नंबर है वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है ये चेक करते हैं। तो पहले तो पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है? तो एक पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होता है, वो इंटीजर होता है, वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, जिसको राइट टू लेफ्ट पढ़ें या लेफ्ट टू राइट पढ़ें वो सेम रहेगा, बराबर रहेगा, तो उसको पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको किधर से ही पढ़ लो, ये यही रहेंगे। 2 डिजिट के जो नंबर्स हैं उन वो टोटल 9 नंबर्स हैं। हम यहाँ 10 बेस की बात कर रहे हैं, डेसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो उनमें 11, 22, जो भी 11 से डिवाइजेबल हैं वो पैलिंड्रोम नंबर होते हैं, क्योंकि उनको 1, 1 लेफ्ट से पढ़ें या राइट से वो सेम रहते हैं। 3 डिजिट के नंबर हैं, उनमें कोई भी 2 नंबर लिए तो नो पॉसिबिलिटीज़ हैं कोई भी 2 नंबर लेने की 3 डिजिट के, जैसे 1, 1, 2, 2, और उनके बीच में कोई एक और वेरिएबल जो 0, 2, 9, मतलब 10 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो इस तरह से अपने पास टोटल 90 नंबर्स हो जाते हैं। तो 3 डिजिट के टोटल 90 पैलिंड्रोम नंबर्स हैं। इसी तरह से 4 डिजिट के देखे जाएं तो भी 90 रहेंगे, क्योंकि बीच वाला नंबर सेम करना पड़ेगा पैलिंड्रोम नंबर रखने के लिए। तो ये नंबर्स हैं, तो ये कैसे टेस्ट करें? तो इसके लिए हमें सिंपली पहले एक नंबर रीड करना पड़ेगा, उसको बाद में इन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब हम कोई भी नंबर जैसे 2, 3, 4 पढ़ा तो उसको 4, 3, 2 कर लें, इस तरह से करना पड़ेगा, और फिर पुराने नंबर के साथ उसको कंपेयर करना पड़ेगा। यदि दोनों सेम है तो वो पैलिंड्रोम नंबर है, यदि दोनों डिफरेंट हैं तो वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। लेकिन इन्वर्ट कैसे करें? तो इसके लिए हम कुछ और एल्गोरिथम को इंक्रीज करते हैं, और इसको इस तरह से कर लेते हैं। एक नंबर रीड किया, फिर हमने 2 नंबर्स लिए, न्यू एन नाम का एक नंबर लिया, एक ओल्ड नाम का नंबर लिया। न्यू एन को 0 साइन कर दिया, एक नया नंबर बनाएंगे जिसको न्यू एन कह रहा हूँ। ओल्ड जो नंबर रीड किया उसको मैं ओल्ड में को असाइन कर देता हूँ, और ओल्ड में वो पुराना नंबर रख देता हूँ। बाद में लूपिंग स्टार्ट करता हूँ, और लूपिंग तब तक चलाता हूँ जब तक कि नंबर की वैल्यू 0 ना हो जाए। न्यू एन जो वेरिएबल लिया था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सिंस पहली बार वो 0 है तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाद में रिमाइंडर लेता हूँ नंबर का शेषफल क्या होगा, उसका जो लेफ्ट साइड डिजिट होगी वो उसका रिमाइंडर होगा। 10, 10 के साथ यदि रिमाइंडर लूँगा तो 10 का भाग देके शेषफल देखूँगा, तो राइट साइड में जो डिजिट है वही उसका शेषफल होगा, और वो मैं न्यू एन में ऐड कर दूंगा। अब जो नंबर है उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, 10 का भाग दे दूंगा, तो लेफ्ट साइड वाली डिजिट खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा। अब ये लूप रिपीट होगा, एन नंबर की वैल्यू अब कम हो चुकी है, छोटी हो चुकी है, फिर से न्यू एन को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। मान लो पिछला नंबर 5 था तो अब ये 50 हो जाएगा, और अब नंबर है उसका फिर से रिमाइंडर इसमें ऐड करूंगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि नंबर 0 ना हो जाए। अब ये जो ही व्हाइल स्टेटमेंट एंड होगा तब तक नंबर का में जो भी डिजिट्स थी वो ऑपोजिट वे में न्यू एन में स्टोर हो चुकी हैं, और नंबर की ओरिजिनल वैल्यू को ओल्ड में हमने स्टोर कर दिया था। तो व्हाइल के बाद में एक इफ एल्स लगाएंगे, यदि न्यू एन और ओल्ड सेम है तो वो नंबर पैलिंड्रोम नंबर है, वो इक्वल है तो पैलिंड्रोम नंबर है, वो इक्वल नहीं है तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। फ्लो चार्ट बनाए, तो फ्लो चार्ट में नंबर रीड किया, न्यू एन को 0 साइन किया, ओल्ड इक्वल टू नंबर किया, कंडीशन नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 लगा दी, यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो न्यू एन को 10 से मल्टीप्लाई किया, न्यू एन में 10 नंबर डिवाइडेड बाय 10 का रिमाइंडर ऐड कर लिया, और नंबर में 10 का भाग दे दिया, और ये लूपिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि नंबर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, जब तक कि 0 नहीं है। बाद में यदि ये 0 हो जाती है तो न्यू एन पे कंडीशन चेक कर लेंगे, यहाँ पर गलत लिख दिया, न्यू एन 0 के इक्वल नहीं, न्यू एन ओल्ड के इक्वल होना चाहिए। इनको अब 1 बाय 1 लिखते हैं, तो रीड स्टेटमेंट को सी प्रोग्रामिंग में लिखेंगे स्कैन एफ, कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज डी, और नंबर को एड्रेस पर एम परसेंट नंबर।
असाइनमेंट न्यू एन इक्वल टू जीरो एंड ओल्ड इक्वल टू नंबर को सेमीकोलन लगा के इसी तरह से लिख देंगे, नंबर नॉट इक्वल टू जीरो को वाइल स्टेटमेंट को वाइल में लिख देंगे, रिपीटेशन वाले जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको सेमीकोलन लगा के लिख देंगे। या रिमाइंडर के लिए सी प्रोग्राम में परसेंटेज ऑपरेटर काम में लिया जाता है तो परसेंटेज ऑपरेटर काम में ले लिया, और बाद में यहाँ पर गलती से फ्लो चार्ट में न्यू नॉट इक्वल टू जीरो रह गया है, इसको ओल्ड पढ़ें जीरो की बजाय ओल्ड पढ़ें, न्यू इक्वल टू ओल्ड यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पॉलीनोम नंबर है ऐसा प्रिंट कर दें, नहीं होती है तो पॉलीनोम नंबर नहीं है ऐसा प्रिंट कर दें। सी प्रोग्राम पूरा एक साथ लिखें तो इस तरह से सी प्रोग्राम बन जाता है जिसमें वाइल स्टेटमेंट है जो नंबर को इन्वर्ट करने का काम कर रहा है और बाद में ओल्ड और न्यू नंबर की कंपेरिजन कर रहे हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली प्रिंट कर रहे हैं।